अलग ही सुकून है यहाँ के ओवरऑल वाइब के अंदर, जो हम मेट्रोज में अपनी भाग दौड़ में कहीं खो देते हैं। यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद ऐसा लगता है कि यहीं कहीं घर हो, वापस उन मेट्रोज में ना जाना पड़े। बट देन आपकी जॉब है, आपका काम है, सो यू हैव टू गो बैक। हैवलॉक में हमारा आज तीसरा दिन है और हम आज जाएंगे स्कूबा डाइविंग और सी वॉक के लिए और एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ की बेहद सुंदर एक्वाटिक लाइफ और कोरल रीफ्स। दिन की शुरुआत करेंगे स्कूबा डाइविंग से, जिसके बाद हम जाएंगे एलिफेंट बीच फॉर सी वॉक एंड वाटर स्पोर्ट्स। हैवलॉक में स्कूबा प्राइमरीली गोविंद नगर बीच पे होता है और यहाँ तीन मेजर स्कूबा साइट्स हैं, नीमो 1, नीमो 2 और जीप रैक। स्कूबा ऑपरेटर्स की यहाँ भरमार है और हर 200 मीटर पे आपको एक स्कूबा डाइविंग ऑपरेटर मिल जाएगा। एक फन डाइव जो कि 7 से 12 मीटर तक की डेप्थ पे जाती है, आपको बारगेन करने के बाद 1500 से 2000 पर पर्सन के आसपास में मिल जाएगी। स्कूबा डाइविंग सुबह 5:30 बजे से चालू हो जाती है जो दिन के 12 बजे तक चलती है, पर बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आप कोशिश करें सुबह 8 बजे से पहले पहले कर लें स्कूबा डाइव। हम स्कूबा डाइविंग के लिए सुबह 7:30 बजे आए हैं और यहाँ डाइव से पहले लगभग 15 मिनट हमें ट्रेन किया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे यूज़ करना है, उससे कैसे ब्रीथ करना है और हाउ टू टैकल वाटर प्रेशर एंड ऑल दी गियर दैट दे हेल्प यू विद। अब हम जा रहे हैं अपनी डाइव के लिए। स्कूबा दरअसल एक डीप वाटर डाइविंग है जिसमें आप ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पानी में नीचे जाते हैं। फन डाइव्स कम डेप्थ के एरियाज में किया जाता है, पर अगर किसी को ज़्यादा डेप्थ में डाइव करना है तो आप पैडी या इसी तरीके का कोई दूसरा सर्टिफिकेशन यहाँ कर सकते हैं, जिसके बाद आप लगभग 30 मीटर्स तक डीप वाटर्स में जा सकते हैं विद इन दी ओपन सी। बात करें गियर की तो पूरे गियर में दो चीज़ें बड़ी परेशानी वाली हैं यार यहाँ पे। एक तो ये आई गॉगल्स जिसने नाक को कवर कर लिया है और आपको सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि नाक कवर हो गई है और मुंह से सांस लेना है तो बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील होता है। दूसरा, सांस लेने के लिए एक रबर का पार्ट है जिसको आपको परमानेंटली दांतों से दबा के रखना है और मुंह उसके चारों तरफ बंद करके रखना है। तो इनिशियली तो ठीक लगता है पर थोड़ी देर के बाद ये बड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है और आपके जॉज में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है जब आप एक्चुअली डाइव कर रहे हो। दो अलग डाइविंग लोकेशंस को शूट करने के लिए मैंने डाइव किया दोनों जगह पर, नीमो 1 एज वेल एज जीप रेक। दोनों ही लोकेशंस बेहद प्यारी हैं। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं तो पानी काफ़ी साफ मिलता है, पर जीप रेक क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ता है तो यहाँ पे लोग कम हैं और पानी ज़्यादा साफ मिलेगा। साथ ही साथ काफ़ी ड्रामेटिक है ये लोकेशन विद अ ओल्ड जीप जो कि यहाँ पे रखी हुई है। छोटे छोटे कुछ भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे आपको पानी के अंदर दिखेंगी जो ऑफ कोर्स डाइविंग करवाने वाले लोगों ने पानी के अंदर डाली है टू मेक इट मोर ड्रामेटिक। हम लोगों को इस जीप रेक की डाइव के अंदर एक ऑक्टोपस भी देखने को मिला, विच वॉज अ डिफरेंट स्पीशीज़ जो हमने नीमो 1 पे नहीं देखी थी। एज द नेम सजेस्ट नीमो 1, तो वहाँ पे क्लाउन फिश या नीमो फिश आपको भरमार में या काफ़ी जगहों पर दिखाई जाएगी। पानी में जाने से पहले एक बार डर जरूर लगता है, पर एक बार जब आप पानी में आ जाते हैं तो दिस एक्सपीरियंस इज टोटली वर्थ इट।